Hi, Ranbir. रणबीर एंड वानी, वेरी गुड मॉर्निंग. फिल्म आज आपकी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आज आपकी फिल्म रिलीज हो गई है, तो आज बताइए. वेल एक्चुअली ये थोड़ा वियर्ड फीलिंग है कि हम आज रिलीज हुई और आज हम यहाँ आए हैं रिएक्शन देखने. बट बहुत एक्साइटेड है, बहुत नर्वस है. एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है ऑडियंस के लिए, सो आई जस्ट होप कि ऑडियंस फिल्म को चांस दे एंड लेट देम डिसाइड, क्योंकि ऑडियंस किंग है, वो राजा है. व्हाट एवर द ऑडियंस डिसाइड्स ऑन द फिल्म, वी विल होल हार्टेडली एक्सेप्ट दैट. सेम या व्हाटएवर रणबीर सेड, आई थिंक हम सब, एवरी एक्टर, एवरी डायरेक्टर, फिल्म मेकर, वी ऑल एज अ यूनिट आर फीलिंग दैट एक्साइटमेंट. वी आर होपिंग टू गेट दैट लव. वी आर होपिंग कि ऑडियंस एंटरटेन हो और प्यार दे सके फिल्म को और हम लोगों को. वेल आई होप पसंद करेंगे, बट ये एक्चुअली जो आप जिस बारे में बात कर रहे हो, ये वो 80s 90s वाली डकॉइड फिल्म नहीं है. ये बहुत नई फिल्म है, इसी कोई रेफरेंस मैं नहीं दे सकता कि ये फिल्म ऐसे है या वैसे है. जब आप देखोगे आपको डिसाइड करोगे, मतलब मेरे बोलने से इतना कुछ मतलब बनता नहीं है, बट बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, मैं ये कह सकता हूँ. पीरियड फिल्म है क्योंकि उस जमाने में जो ट्राइबल एक्ट, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट हुआ था, उससे लेकर एक फिक्टिशियस स्टोरी बनाई है, बट बहुत एंटरटेनिंग तरीके से बनाई है. बट आई होप कि ऑडियंस को एक्सेप्ट करें. ओ यू आर वाचिंग, अरे यार उनसे बात करो यार, हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया, उनसे बात करो. सो आई एम फीलिंग फैंटास्टिक. I think the question and the answer has come at the right time. What do I say? I feel blessed. Believe me, I'm feeling emotional because I'm very blessed that someone has asked me this question and the audience is standing there and given a reaction for the film. So isse better mai ab mere liye bolne ke liye nahi bacha kuch. Are hum kyun chhod ke aa gaya, bhag andar. Zyada ho gaya abhi. Wapas jao andar. वेल एक्सपेक्टेशन यही है, ऑडियंस को पसंद आए, उनको हमने एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है. एंड वी विल सी, यू नो, अभी ये वीकेंड कैसा जाता है, हाउ द ऑडियंस टेक्स इट. अभी तो बहुत जल्दी है मैम, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हमें और पता लगेगा कि कैसे ओपनिंग लगी है, ऑडियंस को कैसे पसंद आ रही है, बट राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू टेल. मैम नर्वसनेस एक्साइटमेंट मेरे लिए दोनों हैंड इन हैंड जाती हैं, पर अभी जैसे एक इन्होंने रिएक्शन दिया जो आए बीच में से पिक्चर छोड़ के, आई एम फीलिंग सो नाइस दैट पीपल आर एंजॉयिंग इट एंड यू नो फॉर अस आई थिंक दैट्स ऑल वी आर लुकिंग फॉर, यू नो, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बट या नर्वसनेस ऑलवेज स्टेज, आई थिंक इट्स टू अर्ली अ स्टेज फॉर मी, फॉर एनी वन ऑफ अस टू फिगर आउट हाउ पीपल आर गोना परसीव इट, बट सो फार या इट्स एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस बोथ. वो एक्चुअली सो रही थी अभी. मैं जल्दी उठ के आ गया हूँ, बट एक्चुअली आलिया ने कल फिल्म देखी, उसने बहुत प्यार दिया हम सबको, शी रियली लव्ड द फिल्म एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग टेक मार्क इन माय लाइफ. एक अच्छा है कि नो घर पे बीवी खुश है तो मैं खुश हूँ. मैंने डार्लिंग फिल्म भी देखी है, बहुत कमाल की फिल्म है. जैसे आप सब एक्सपेक्ट करते हो आलिया भट्ट की फिल्में कैसे होती है, उसी लेवल पे है, उसी मकाम पे है. तो प्लीज जब रिलीज होगी आप सब मौका देना.